मैं हूं रजत यादव और आप देख रहे हैं क्रिकेट थ्री। आज हम आपको बताने वाले हैं 140-150 कैसे फेस करें। 140-150 बॉल फेस करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका फुट मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। फुट मूवमेंट तभी अच्छा होगा जब आप स्किपिंग करेंगे घर पे। मैं बताता हूँ आपका फुट मूवमेंट कैसे वर्क करेगा। आपके पैर चलने चाहिए, जितना हो सके आप पैर चलाएंगे, ये होगी फुट मूवमेंट। जितना वो बॉल के पास जाएंगे फुट मूवमेंट ठीक है। हाई स्पीड बॉल खेलने के लिए आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और आई हैंड कोऑर्डिनेशन तभी बढ़िया होगा जब आप घर पे बॉल को हैंग करके उसे वॉच करेंगे, बार बार वॉच करेंगे, 10-15 मिनट तक वॉच करेंगे। इस तरह आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो सकता है। तीसरी और सबसे अहम चीज़ है बैक लिफ्ट। अगर आपकी बैक लिफ्ट चाहिए तो आप बहुत आसानी से 140-150 प्लस बॉल खेल सकते हैं। मैं बता दूँ आपकी बैक लिफ्ट क्या होनी चाहिए। अगर आपकी बैक लिफ्ट बहुत हाई है तो भी आपको 140-150 प्लस बॉल खेलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब तक आपका बैट नीचे आएगा आपको बहुत टाइम लगेगा नीचे आने में। और अगर आपकी बैक लिफ्ट नीचे है, अगर आप बैट को नीचे रख के खेलते हैं तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब तक आप बॉल के लिए बैट ऊपर लेके जाएंगे तब तक बॉल आपको प्रॉब्लम होगी इस शॉट खेलने के लिए। इसलिए बैट को नीचे रखने में भी प्रॉब्लम है और आप बैट को ऊपर भी रखेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है जब 140-150 बॉल प्लेस के लिए तो आपकी बैक लिफ्ट हमेशा बीच में रहनी चाहिए। जैसे कि आप देख रही है बैक लिफ्ट अभी बीच में है, बीच में बैक लिफ्ट से फ़ायदा ये होगा हम आसानी से बॉल की तरफ जाएंगे तो हमारा बैट अपने आप हाई हो जाएगा, इससे मदद मिलेगी और हम शॉट को आसानी से कवर कर सकेंगे, ये फ़ायदा मिलेगा हमें बैक लिफ्ट से। इसलिए हमें हमेशा बैक लिफ्ट को बीच में रखना है, इससे आसानी से हम 140-150 प्लस को बॉल को खेल सकेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही वीडियोज लगातार पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।